चलिए आज मैं दावत देना चाहूंगा आवाम की पुरजोर फरमाइश पे एक ऐसी शख्सियत को जिनको मैं सिर्फ उनके टैलेंट के लिए नहीं एडमायर करता बल्कि वो बड़े खुलूस से इस माशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, विच आई रियली लुक अप टू। तो दावत देना चाहूंगा टू द वन एंड ओनली मिस्टर जुनेद अकरम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। मैं कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा आ गया। ट्रेंडिंग टॉपिक से बात शुरू करेंगे जुनेद भाई, क्योंकि यही चलता है। सही है, और बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, कोशिश हमारी ये है कि व्यूज आए, तो ये एक फॉर्मूला समझ में आया। ठीक है, अच्छा मुझे एक अंदाजा है कि आप क्रिकेट के इतने कोई बड़े फैन नहीं है। हाँ, कुछ क्या रीजन है यार? मैं 99 में ऐसा दिल टूटा था मेरा। हाँ। कि उसके बाद वो जुड़ नहीं सका। और दूसरी चीज ये कि मैं मैच जो है ना ज्यादा स्टेडियम में इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मस्ती मजाक मस्ती तो चलता है। मैं जब मैच देखने गया पाकिस्तान हार है तो मेरे लिए डबल ट्रेजेडी। कुछ लोगों का बन जाता है ना कि हम देखेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, क्योंकि जब भी कंफर्मेशन बायस है। तो वह जब भी गया हमेशा हार। अबे वेस्ट इंडीज से हार गया था वो शार्क। अभी कब की बात है ये, 15-16 वाली टीम तो हमारी अच्छी थी। हाँ। और वेस्ट इंडीज की फारे थी, वो भी हार गए। बिल्कुल, असद शफीक ने टिकट दिए थे मुझे खास VIP के शारजा में, वहाँ हार रहे। तो एटलीस्ट आप की दावत पे VIP। तो इस पे मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल एस्पेक्ट पे अराउंड PSL बात करते हैं। PSL आया पाकिस्तान, कराची में मैचेस हुए जितने भी हुए। इसमें एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान आया बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके अराउंड बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारे सर हमारा धंधा चलता है। Exactly. हम लोग का साल का एक ना कोई प्रोजेक्ट हमारा भाई वो ये जो बेचते हैं राशन वाशन, इनका रमजान है, PSL हमारा रमजान है। कल मैं अली गुल के घर देख रहा था, PSL का ही उसका स्पीकर पड़ा था। हाँ, ये स्पीकर हल्का है वो। हाँ। लेकिन एक दोस्त सनान जो है उस पर ना नजर लगा के बैठा है कि यार तुम ये इस्तेमाल तो नहीं करोगे। एनीवे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी गुड फॉर पीपल हु कैन यू नो, एक जो सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री होती है। लेकिन एक हर चीज का ट्रेड ऑफ भी होता है। बिल्कुल, अब मुझे ये चीज अफेक्ट नहीं करती, आपको भी नहीं करती, लेकिन जो लोग नेशनल स्टेडियम के आसपास रहते हैं वो ट्रैफिक में बता नहीं सकता। और मैंने बल्कि ट्वीट भी ये की थी कि हसन स्क्वायर वाले ज्यादा खुश है। बिल्कुल, कि ये बंद हुआ है। मैं लास्ट ईयर फंस गया था, मेरे दोस्त के वालिद साहब का जनाजा था यार, मैं जलील हो गया था। अच्छा, अबे जिस गली में जाओ रेंजर्स, जिस गली में जाओ पुलिस, उधर चले जाओ उधर कोई मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं कि जी ये बंद है ये मुतबादल नहीं, आप वहां चले जाए। हर बंदा अपनी मर्जी से रास्ता बता रहा है। जनाजा मिस हो गया, वहीं से गाड़ी मोड़ के आ गया। मतलब दैट डे आई रियलाइज कि यार वाकई बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। बिल्कुल, और खासतौर पर यार जो पीछे ही अपार्टमेंट है वो तो मतलब राशन वाशन लेके घर में बैठ जाते हैं 15 दिन के लिए, शायद लॉकडाउन कर नहीं सकते। उनका लॉकडाउन की प्रैक्टिस पहले से हुई भी थी। तो ये है कि वर्क फ्रॉम होम वो शायद पहले से ही कर रहे हो। बिल्कुल, यार अब निकल नहीं सकते, ऐसे आ गया वर्क फ्रॉम होम शुरू। तो इसमें ये मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ट्रेड ऑफ है, ठीक है, तो इज इट वर्थ इट? प्रोज एंड कॉन्स जो है, प्रोज आउटवे करते हैं कॉन्स को या नहीं करते? देखो इनन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जाहिर लोग खुश तो होते हैं। हाँ। और एक टर्फ वॉर जो सिटीज की आपस में चलती है, मीम्स बनते हैं, मजाक बच्चूनियाँ लगी होती है, मजाक मस्ती चल रही होती है नेशनल लेवल पे। और मीम्स में यार पाकिस्तान का बहुत अच्छा गेम है यार, बहुत गेम है। अबे भाई पूरी मुल्क में ब्रेक डाउन, अबे लाइट नहीं पूरे मुल्क में, मीम्स आ रहे हैं मीम। अबे दुनिया भर में इमरजेंसी लग जाती है भाई, आर्मी कॉल हो जाती है, कोई रेडियो एक्टिव फोर्सेस आ जाती है कि पता नहीं क्या। अबे यहाँ मीम चल रहे हैं भाई धड़ाधड़। बिल्कुल, तो भाई हम लोग अभी ये जो पौड़ी हो रही है इस पर बड़ा लोग कह रहे हैं जी ये वो भाई, इंडिया कौन कर लिया? अबे कोहली से करवा दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करवा दिया। वो क्या अनुपम खेर वो भी कर साहब भाई, और हालांकि कितना बड़ा हेटर है वो हमारा। बिल्कुल, करवा दिया। अबे ये पावर है तो भाई जीत गए इंडिया से यहाँ पे। तो मीम गेम इतना हमारा आता है। तो PSL को जो मैं इंजॉय करता हूँ ना, मे बी नॉट क्रिकेट बट उसका जो सप्लीमेंट्री मजाक मस्ती यार, इस बार राणा साहब नजर नहीं है। राणा साहब खुश इतने थे कि जीते जा रहे हैं, कसम से मेरे ख्याल से उनका भी वही कंफर्मेशन बायस है, स्टेडियम में जाऊंगा हारूंगा। बिल्कुल नहीं दिखे। तो आई वॉज रूटिंग फॉर लाहौर कलंदर ऑन दैट एस्पेक्ट। आई मेट राणा साहब दुबई में। अच्छा, और वो वेरी स्वीट यार, वेरी डाउन टू अर्थ मुझे लगता है कि साथ जो ये 5 PSL के सीजन हुआ है ना, मतलब कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया। कसम से मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा मेरे बच्चे आपके बड़े फैन है। अरे मैं तो फ्लोर पे गिर गया यार, क्या बात है।
पहले हम आपके फैन हैं। तो सो आई रियली एंजॉय ये जो एक्टिविटी आसपास चलती है ना, ये बीम्स आ रहे हैं और ये आ रहा है वो आ रहा है, तो ये क्रिएटिविटी नजर आती है, बड़ा मजा आता है। मगर देखो रह दे के गुलशन नासाबाद नॉर्थ ये सफर कर रहा है अभी, लेकिन 22 करोड़ खुश भी तो हो रहे हैं यार, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान यार, इंडियन भी देखते हैं, बिल्कुल दबा के देखते हैं, बांग्लादेश में देखा जाता है, और हम भी आईपीएल देखते हैं, देखना चाहते हैं तो बैन कर देते हैं बीएन स्पोर्ट्स वाले तो वो। और भाई आपका इतना बड़ा डायस्पोरा है, मैं देखता हूँ कनाडा इंग्लैंड वाले ऑस्ट्रेलिया वाले लोग अब सुबह 4 बजे उठ के मैच देख रहे होते हैं, मतलब अपने हिसाब से उनकी टाइमिंग आउट होती है। द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज गुड, हाँ इट इज बिल्कुल, और अच्छी चीज यार आपका अच्छा बॉलर निकल आते हैं, अच्छे बैट्समैन निकला शाहनवाज दानी जो आपने पता नहीं वीडियो देखी, वो लड़का ना अरे भाई क्या उसको, और मुझे खुलूस मुझे यार मुझे दिल से खुशी हुई, क्योंकि देखो सिंध से जो है इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है क्रिकेट में, कराची से ही नहीं हो पाई इतनी, जो कि इनकी एक बायस रही है हमारी शुरू से फॉर वट एवर रीजन्स, मगर आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी कि यार अब सिंध के दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं, एंड दे मेकिंग इट टू द टॉप, एंड लाइक द फैक्ट आप उसमें जो लोग उसको जिस तरह मोहब्बत दे रहे हैं ना, दैट टेल्स यार हमारा बच्चा भी गया है, तो वो यार हाँ बहुत अच्छी फीलिंग। आई डू थिंक मैं भी आपसे इतफाक करता हूँ, लेकिन इसमें एक दूसरी अब एस्पेक्ट है कि अब पीएसएल कैंसिल हो गया, हाँ। नहीं जो इतने सालों की मेहनत थी, पहले दुबई फिर हाइब्रिड मॉडल आया फिर यहाँ पे फाइनली पूरा होने लगा, लास्ट ईयर भी थोड़ा मार हुआ कोरोना की वजह से, इस साल तो फुल कैंसिल हो गया, तो ये लापरवाही थी, क्योंकि देखे ना न्यूजीलैंड जब हम गए थे हमने किया गंत, उन्होंने कहा कि भाई सीधे हो जाओ वरना आपको डिपोर्ट कर देंगे, डंडा दिया तो सीधे हो गए, यहाँ पे थी लापरवाही, सेलिब्रिटीज सीईओ ऑफ अच्छा इस पे मैंने भी बात कही थी, तो मुझे एक बंदे का रिप्लाई आया कि भाई कोई 200-250 मैचेस हुए हैं बिल्कुल कोरोना के टाइम पे, मतलब साउथ अफ्रीका की सीरीज कायद आजम ट्रॉफी वगैरह वगैरह करके उसने मुझे ये वाला फिगर दिया, बेबी आई एम रॉन्ग में ज्यादा बता रहा हूं, कह रहा यार वो भी तो हुआ है, तो आप जो है ना ये पीसीबी के ऊपर नहीं डाल सकते या ये नहीं डाल सकते, देखो यार एट द एंड ऑफ द डे यार जिसका इवेंट है उसी ने मॉनिटरिंग कर दिया ना, बिल्कुल ठीक है पीसीबी ने वो सारे करा लिए, यार उसमें इतनी शायद कैजम ट्रॉफी यार तू कभी देखने गया, तेरा कभी दिल किया कि मैं टिकट लेके जाऊँ ट्रॉफी देखे, मैं हाईलाइट जरूर देखें क्योंकि पीसीबी ने गेम अप किया है अपना, That's good. Yeah. मगर PSL की यार हाई भी डिफरेंट है, वो तो कंपेयर नहीं करता, ठीक है तो जाहिर है लोग आएंगे, तो दे शुड हैव फोर्सी करना था उनका काम, वही वाली बात न्यूजीलैंड में डंडा हुआ सीधे हो गए और सीरीज फिर जैसी हुई हमने देखी हार के आए मेरे ख्याल से हारे थे ना बुरी तरह। अब ये क्या यार बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स प्लेयर से मिले, कुछ कह रहे हैं हमने हाई फाइव भी किया, कुछ कह रहे हैं हमने लो फाइव, मतलब तंदूर पे रोटी भी लगाई है उनके, पता नहीं जो भी किया है गलत है ना यार भाई क्या है वहाँ पे? यार मसला ये हमें सारे चौधरी भाई मेरी फैमिली तो जाएगी घुसो घुसो घुसो, अब वो पीसीबी का कोई भी नुमाइंदा होगा या कोई भी बेचारा उन्होंने एक लड़का खड़ा किया होगा, वो कहाँ जावेद आफरीदी को रोकेगा, वो इतने बॉल्स हैं उसमें नहीं रोकेगा ना, तो इसी तरह भाई और हमें हम तो जानते नहीं कोई कोई ना कोई जी हम पुलिस वाले हम फलाने डीजी साहब चौड़ है ना, और इसमें देखिए लापरवाही हुई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ यार सबका नुकसान हुआ यार, अच्छी ये वही जैसे 2009 के बाद जब श्रीलंका वाला मसला हुआ था, अब जाके थिंग्स वर नॉर्मल, अब फिर से हम ऑलमोस्ट बैक टू स्क्वायर वन, जनरेशन है जो कभी स्टेडियम ही नहीं गई बिल्कुल कभी हुआ ही नहीं, जो बच्चा 2009 में पैदा हुआ है वो अभी 12 साल का बिल्कुल, अबे 12 साल का बच्चा पूरा होता है उसने कभी एक चीज ही नहीं, और इट्स सच अ बेसिक एक्सपीरियंस टू हैव इन लाइफ बिल्कुल, या स्टेडियम में मैच और कोई स्पोर्ट हमारे है ही नहीं, जाहिर है आइडियल सिचुएशन तो देखे ना जैसे अब मैनचेस्टर में ग्राउंड है व्हाटएवर के होटल ग्राउंड के साथ है, प्लेयर्स का कम्यूट नहीं है, इसमें आप सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, रोडे भी नहीं बंद होंगी, बट हम आइडियल सिचुएशन में रहते नहीं है उसकी थर्ड लॉबी में रहते हैं, वो अब जोर में तो ठहराने से रहे प्लेयर को, डंग जो है ना वो कौन सा आर्केड का कासे मार्केट में राबिया सिटी में रह रहा है नीचे राम अपार्टमेंट में क्रिस लेन जो है पानी नहीं आ रहा ये वो चल रहे बखैर ये जाहिर है बड़ा बुरा लगा, तो इसमें मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि अपनी रेप्यूटेशन के बारे में हम रोते फिरते हैं, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन क्या हम ही नहीं है अपने जो पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं? भाई लोग बात मानने को तैयार ही नहीं है, यहाँ जो रॉन्ग वे आता है वही आंखें दिखाता है, ठीक है तो लोग समझते हैं कि दुनिया के लोग इतने फारिग हैं कि वो टेबल लगा के बैठे यार पाकिस्तान को और कैसे बदनाम करें, बिल्कुल अबे अपनी हरकतें लोगों की, मगर बिकॉज इन्होंने कभी सही गलत की तमीज़ ही नहीं है, बस जो देखा वही किया है,
तो दे डोंट रियलाइज वेयर दे रॉन्ग. और हम यही चीजें कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कहते हैं यार आप हर वक्त बुराई करते हैं. बिल्कुल. अरे बुरी बुरे काम करते हो ना. हाँ तो भाई जो चीज है वो तो है ना यार. नहीं समझते लोग तो अपनी हरकतें ही है यार. और अबे भाई शुक्र करो कोरोना वो वाला नहीं आया यहाँ पे. बिल्कुल. लंदन में अभी तक लॉकडाउन था. बिल्कुल. एज ऑफ जनवरी. ठीक है. यहाँ पे अगर लगता ना 8 महीने का लॉकडाउन लोग खा जाते एक दूसरे को. सो लाइक वे ब्लेस्ड दैट वे कि उतना बुरा नहीं हुआ. मगर लापरवाही हमने देखी हर एंगल से देखी. मतलब कभी कभी तो ये होता है ना कि नाउ आई हैव सीन एवरीथिंग. हाँ. और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हैंड होता है लाइक यार ये क्या. हम मतलब अजीब चीजों में भी बड़े क्रिएटिव है. हाँ हाँ. तो बदनाम हम आई थिंक के दिस इज वेरी इजी दूसरे एक्सटर्नल पे ब्लेम डाल दिया. अबे अर्तुगरुल बन के शादियां कर रहे हैं लोग तलवारें लेके. यू अबे घोड़े पे आ रहे हैं. अबे दुनिया गाड़ी उड़ने पे जा रहे हैं स्पेस पे जा रहे हैं ये चूतिए घोड़े पे जा रहे हो तलवारें लेकर आ रहे हैं. अबे यार कहाँ जा रहे हो यार. डायरेक्शन ही गलत है. मतलब इमेजिनेशन में ये कुछ अच्छा सोच ले पार्टी में. कल वो देखा था वो एक शादी में एंट्री हो रही थी दूल्हा दुल्हन की. वो शोले वाली स्कूटी नहीं थी. क्या बोलते हैं उसको यार उसका एक पैसेंजर वाली ना. तो उसमें दुल्हन बैठी हुई है दूल्हा यूं कर चलाता हुआ आ रहा है. अबे भाई क्रिएटिविटी की इंतहा है. या मेहनती एंट्रेंसेस पे बड़ी है. एक मैंने वो भी देखी थी ट्रिपल एच आया बंदा नेस्ले की बोतल ली है. अंडरटेकर वाली मैंने बहुत देखी लाइटें बंद. एकदम स्पॉटलाइट आई गेट पे वो आ रहा है भाई अंडरटेकर आ रहा है क्या आ रहा है. तो ये है जरूर के क्रिएटिविटी है अजीब चीजों में. लेकिन जुगाड़ अब हमारे बेहतरीन होते हैं. कहीं भी मैकेनिक यहाँ चले जाए वो आपका चला देगा गाड़ी चला देगा. गाड़ी चला मैकेनिक और मोची मायूस नहीं करते. ये मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस है. लेकिन अपने काम में हम दो नंबर ही करते हैं. स्लिप हो गए बाहर गए तो स्लिप हो गए. इसीलिए बदनाम है. वीजा नहीं मिलते पासपोर्ट देख के हम जलील होते हैं. गोरियों से शादी कर गोरी से शादी कर फिर जी वो फुप्पी की बेटी से बचपन में मंगनी हो गई थी अब उसको छोड़ना है. अब वो बेचारी को आपने 10 साल जाया कर दिया. वो 40-45 की हो गई है. नाउ शी हैज नो वेयर एल्स टू गो. इतने आते हैं कि जी मैं यहाँ किसी के साथ रह रहा हूँ लेकिन अब वो घर वाले प्रेशर कर रहे हैं. घर वालों को बताया नहीं है यहाँ पे भी बेटी है. अब वो कह रहे हैं जी वहाँ पे भी करनी है शादी. तो यार बदनाम उसकी नजर में क्या जी सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं. यार सब छोड़ो ना. अर्तुगरुल के साथ हमने क्या किया. पहले वो आ रहा था कोई रावलपिंडी का कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट था. उन्होंने उसको एज एन एम्बेसडर लिया. इधर से CDA ने रिपोर्ट चला दी कि जी तो ये तो स्कीम जो है जाली है. अच्छा उसको बैक ऑफ करना पड़ा उस कॉन्ट्रैक्ट से. फिर उसको वो टिकटॉकर जो है काशिफ जमीन वो लेकर आए उसने चूना लगाया. तो अर्तुगरुल को 2 बार चूने लगे. 2 बार उसने ट्राई की दोनों बार चूने. तो उसका 100% एक्सपीरियंस क्या है कि चीटर लोग हैं. चीटर लोग मतलब टर्किश एक्चुअली हमें पसंद. अबे खलीफा को लगा दिया चूना. खलीफा को जिसको इस्लाम सिखा रहे होते हैं जिसकी हर पोस्ट पे कुत्ता हराम है कुत्ते को रखो ये गर्लफ्रेंड से क्यों चुपका हुआ है ये वो उससे सोचा होगा यार बड़े अच्छा अगर इतने अच्छे लोग हैं इतनी चीजों का बारीकी से ख्याल कर रहे हैं तो यार ये अपने लेन देन में भी सही होंगे. उसने डीले साइन कर ली कि जी मोटी चेन लगी हुई है डीले साइन. उन्होंने चूना लगा दिया. अमेजिंग है. अमेजिंग. और मामले में हलीमा सही चल रही है यार. देखो इट ऑल कम्स डाउन टू तस्वीरों पे क्या कमेंट होता है. क्या माइंडसेट है कि आप जाके एक कैरेक्टर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके उसको कह रहे हैं कपड़े पहन लो ये ना करो. अबे भाई ये ढक्कन जो है ना ये उस दुनिया में रहती यार. वो एक डेव शैपेल का जोक था 2003-2004 का उसका जो स्पेशल था कि फिल्मों में अगर कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को बोले कि तुम्हारा फोन नंबर क्या है तो वो हमेशा बोलता है 555-5555. ठीक है. वो इसलिए फेक करते हैं क्योंकि इतने लोग चूतिए घर जाके फोन करते हैं जी सुपरमैन से बात करा दे क्योंकि फिल्म में ये नंबर. अरे क्या है ये वही लोग हैं क्या जैसे ड्रामे में तो ये वहां भी तुर्की में ऐसी फिर रही होगी. अरे मैंने पूरी इस पर वीडियो बनाई थी. बिल्कुल. कि मैं नहीं व्हेन आई वाज इन टर्की लास्ट टाइम. यार आप जब भी तुर्की देखते हो अजानों की वीडियो में या वैसे तो आपको ये आया सोफिया दिखता है या ये सुल्तान अहमद मॉस्क. इसके सामने ये 100 बार है जहां सुअर भी मिलता है वो नहीं दिखाते आपको. लेकिन अब क्या ये अलग दुनिया में रहते हैं और वो खलीफा और ये वो अजीब. तो अर्तुगरुल को इन्होंने चूना लगा दिया. तो अब वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है. चार लोगों में तो बैठता होगा. बिल्कुल. वो यही बोलते होंगे. वो बोलते होंगे यार माशाल्लाह तुम्हारा ड्रामा तो बड़ा चल रहा है पाकिस्तान में. बोले भाई खल्ली वल्ली यार 2 बार चूना लगाया मुझे 17-17 करोड़ का चूना लगाया मुझे. तो क्या इमेज जा रहा है आपका. तो वो भी तो एम्बेसडर है ना इतना बड़ा आपका.
हम ये चीज सोचते नहीं है, नहीं नहीं करते, अपना चूना लगाते बस। हाँ, ट्रैवलिंग अबे हम ये नहीं देखते कि ये बात कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। exactly. कहते हैं मैंने इसको लगा दिया, बस हल्ली पर्सनल एक उस पर सोचते हैं। ये नहीं कि हम भी अपने मुल्क के एम्बेसडर हैं, हम कुछ अच्छा करेंगे तो हम। आपने जैसे वो किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो जो बस्कर था उसकी आपने वीडियो डाली। हाँ, पाकिस्तान से। अबे भाई वो वाइटल साइंस के सारे गाने याद हो गए उसको, जबरदस्त बात। सो बैक स्टोरी जिनको नहीं पता, वो लंदन में मैं घूम रहा था तो एक बस्कर जो के म्यूजिक बजा रहे होते हैं तो वो लेट इट बी गा रहा था, बीटल्स का, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। मैंने यार उसका जाके रिकॉर्ड किया, फिर मैंने देखा उसने अपनी इंस्टा आईडी लगाई हुई, तो मैंने शेयर कर दी कि यार इसको ज़रा फॉलो करें, मोहब्बत दें, ताकि ये दुनिया को बताया कि जब मैं सड़क पे, जब मैं कुछ भी नहीं था और सड़कों पे गाने गा रहा था तो पाकिस्तानियों ने मुझे सपोर्ट किया था। एंड यू नेवर नो यार, कल को बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, ऐसे ही निकले सारे। रॉड स्टीवर्ट खुद बता रहा था कि मैं एक पता नहीं कौन सा रिवर है जो पेरिस से गुजरता है, कह रहा है मैं वहां पे गुजर रहा था तो एक बंदा मेरा ही गाना गा रहा था। अच्छा। और 20 साल पहले वहां पे मैं बस्किंग कर रहा था, अरे आज वहीं पे बस्कर खड़ा मेरा गाना गा रहा है। क्या बात, सक्सेस है, यू नेवर नो। तो मैंने इस नियत से उसका शेयर किया कि यार कल को वो मशहूर हो जाएगा, बोलेगा यार व्हेन आई वाज नथिंग पाकिस्तानी सपोर्टेड मी। तो और पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया, 10,000 फॉलो उसकी तो फट गई थी। अब 560 फॉलोअर थे, रात को घर गया 10,000, वो कह रहा है हो क्या गया है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मैंने पाकिस्तान आने कॉन्सर्ट करने, मैंने कहा कोविड है कॉन्सर्ट हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब वो शायद मॉनेटरी एंगल से भी चाह रहा हो कि यार कुछ नोट वोट बन जाएगा, भाई ये कहाँ है, अच्छा है ना, हम अगर इसको ऐसे भाई वो, हाँ अब वो वाइटल साइंस के गाने कवर कर रहा है, एतबार गा रहा है, अबे हमसे अच्छा गा रहा है एतबार, जापानी आदमी जिसको उर्दू नहीं आती, पहले दिल दिल पाकिस्तान गाया उसने, ठीक है। तो हाँ अब वो जहाँ जाएगा 10 लोग बोलेंगे यार पाकिस्तानी ऐसे ऐसे, वो बोलेगा नहीं यार एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो इस तरह सोचना चाहिए, लोग नहीं सोचते, कहते यार अपना चूना मारो निकलो, लो अपने तक ही सोचते हैं। हाँ, थोड़ा आसपास का भी सोच ले, बेहतरी है इसी अराउंड में। नाक से आगे सोचते नहीं है, लंग से आगे भागते हैं। ये मैंने सम अप कर दिया है, आपने पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस पाकिस्तानी का एक नटशेल में बता दिया। कमेंट्स की हम बात कर रहे थे अभी, हलीमा सुल्तान की फोटो पे अजीब अजीब कमेंट्स, तो इसके अब देखें कुछ दिन पहले औरत मार्च हुआ, ठीक है, औरत मार्च के रिस्पांस में एक, मतलब औरत मार्च को आई थिंक नेशनल पाकिस्तानी मेल्टडाउन डे भी कह सकते हैं, जिस कदर गंदे घटिया घिनौने कमेंट्स औरतों के लिए निकालते हैं मर्द। तो इसमें मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली ये एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का, और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इसमें बहुत दिखती है, आपके नज़दीक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है क्या? यार किसी की एग्जिस्टेंस को अगर आप, या किसी के एक्सपीरियंसेस को इनवैलिडेट करना, अच्छा सब कहते हैं जी इस्लाम ने हुकूक दिए, बिल्कुल दिए, अबे तुमने नहीं दिए, बिल्कुल बिल्कुल, तुम इस्लाम जोड़ी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम नहीं दे रहे हुकूक यार, और मसला तुमसे। अब यार कौन, क्या यार लोग नहीं देखते बस स्टॉप पे कोई लड़की खड़ी होती है बाइक वाला, अबे लड़कों को नहीं छोड़ते, बिल्कुल, मैं अभी जैसा भी हूँ कभी था चकना, अबे बाइक वाले मुझे नहीं छोड़ते थे, घूम घूम के आ रहे, ये नर्सरी की बात बता रहा हूँ, रात को भाई लेट नाइट करता था मैं, वापस घर जा रहा था, अबे मेहरान वाले अंकल भी आ रहे हैं, बाइक वाला भी आ रहा है, अबे मैं उसको, मुझे ख्याल आया यार ये मुझे नहीं छोड़ रहे, तो ये तो औरत का क्या करते होंगे, और ये है और अभी तक है। आप खड़ी यार एज एन एक्सपेरिमेंट ना, चलते रहा तो कद लंबा है एक एवरेज पाकिस्तानी लड़की से, आमिर को खड़ा करो बुर्का पहना के शाम को, अबे कितनी बाइकें रुकेंगी, मैं मुझे यकीन है मैं शलवार का में बाल खोल के चले जाऊं, हाँ हाँ हाँ, एक आध दबियां तो लग जाएगा, गुजरना वहां सदर में, बिल्कुल दंड बोर्ड खुल जाएंगे। तो भाई वो आप उसको काम नहीं करने दे रहे, ऑफिस जा रहे हैं वहां पे अलग तंग कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, रेज्यूम आपने कितनी बार पढ़ा है यार, वो लिंक्डइन पे ऐड लगे हुए कि जी स्मार्ट हो, सेक्सी हो, और सीईओ के साथ फ्रैंकनेस भी, बिल्कुल, हो, बिल्कुल, फ्रैंकनेस हो। ये क्या मांग रहा है तू, कैसा काम, फ्रैंकनेस भी हो और सीईओ के साथ ट्रैवल भी कर सके इंटरनेशनली, मतलब दाना डाल रहे हैं ना, बस में अलग दबिया, करीम उबर करो उसमें के अलग मसले, आए दिन हम पढ़ते रहते चीजें, हाँ ये शीशा यू रिक्शे वाले कबाब लगा रहे होते, रिक्शा चल रहा है एक हाथ से, ठीक है ना, अबे यार इतना तो यार बिल्कुल, आप खुले आम यही सब होने के बावजूद, इतनी स्टोरी सुनने के बावजूद आप डिनायल में रह रहे हैं, हाँ खुद अपने घर की औरतों को आप नहीं अलाउ करते, तो देयर इज अ रीजन, देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई यू नॉट अलाउइंग, उसके बावजूद आप इतना इनवैलिडेट करना अगले के एक्सपीरियंसेस को, आपको नहीं पता है एक औरत का क्या मसला है। मैं अवॉइड करता हूँ वीडियोज बनाना इन टॉपिक्स, खासतौर पर औरत मार्ट, उसकी वजह ये कि आई डोंट वॉन्ट टू मैन्सप्लेन, बिकॉज मैं जितना भी एम्पेथाइज कर लूँ
मैं वो आयोटा भी एक्सपीरियंस जो है ना, जिससे एक आम औरत गुजरती है, मैं शायद समझ भी नहीं पाऊँ. नहीं, नहीं समझ सकते. और मेरे ख्याल से इसमें एक बड़ा, मुझे किसी ने बताया, बड़ी अच्छी ये चीज़ लगी कि औरत मार्ग जैसी चीज़ पे या विमेंस राइट अगर उसको हम ले लें, आप इट्स नॉट योर प्लेस टू स्पीक. लेकिन आपकी अगर फॉलोइंग है, आपका एक प्लेटफॉर्म है, यू यूज दैट प्लेटफॉर्म टू एम्पलीफाई देयर. एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू. जैसे कि कल ही मैं वो Q&A कर रहा था, वो बात से बात निकली और कहाँ से कहाँ निकल गई, तो मैं उसमें यही कह रहा था कि अगर भाई किसी औरत, किसी ने अगर प्ले कार्ड लिया हुआ है कि मैं टांगे खोल के बैठूंगी या मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, दैट कुड बी हर पर्सनल चॉइस. दैट डजंट मीन कि पूरे मुल्क की औरतें रोटी नहीं पकाना चाहिए, ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि डोंट रिड्यूस हर टू दीज रोल्स कि जी रोटी ही पकानी और तूने बच्चे ही पैदा करने, ये भी करने. हाँ, बहुत सारे जो 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 रियल इशूज़ हैं, जो जिस पर लोग कहते हैं जी ये तो अच्छा, किसी का अगर पर्सनल इशू होगा सीधा इस तरह बैठना या इस तरह करना, वो करना, उसको ये बुनियाद बना देते हैं कि इस सारे की. अरे उसमें ज़्यादातर जो बात है वो इमैन्सिपेशन की है, वो वर्कर वुमेन की है कि यार एक तो इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी. और जो अब ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है, लोगों ने देखो जिस्म पता है हमें क्यों बुरा लगता है, वो उसकी फिल्म की वजह से, उस फिल्म में बिपाशा के वो उसमें सीन थे, तो बिकॉज जिस्म में गंदे सीन थे तो जहां जिस्म होगा वो गंदी बात है. जिस्म तो बॉडी है, बिल्कुल. अब वो चॉइस कह रही थी मेरी चॉइस, मेरी चॉइस के अगेंस्ट आप डोंट टच मी, मेरी चॉइस के अगेंस्ट बेटे की ख्वाहिश में आप मेरा मकान किराए पे चढ़ाए जा रहे हो हर में हर साल, फिर बेटी हो रही है, बेटी हो रही है. रियल इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं. मतलब आप जैसे ईमेल पे आपको आते हैं ये इस तरह की बातें, लेकिन ये जो है कि जी हमने तो नहीं देखा इसलिए ये है ही नहीं. ये भाई इधर जस्ट बिकॉज़ इट डजंट हैपन टू यू डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट. मैम होलोकॉस्ट मेरे साथ नहीं हुआ, बट आई कैन नॉट से कि इट डिडंट हैपन, राइट. तो इनवैलिडेट करना दूसरे का एक्सपीरियंस, यही तो टॉक्सिक टॉक्सिसिटी है. तो वो जो मेरा जैसा मेरी मर्जी है, वो कह रही है भाई बेटे की ख्वाहिश, एक तो मेरी ज़बरदस्ती शादी ना कराओ, लेट मी हैव अ चॉइस. मेरे ही ज़बरदस्ती मुझे आप इम्प्रेगनेट किए जा रहे हो हर साल बेटे की ख्वाहिश में, नौ नौ बेटियाँ हो गई हैं, मैं वीक हो रही हूँ अंदर से. मतलब बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं जी जब तक पहला स्कूल नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा, ये किसी वजह से कहा जाती है चीज़ें. बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर आपने चूंकि जिस्म बिपाशा से रिलेट कर लिया, तो यार ये जो है ना कह रही है कि मैं नंगा घूमना सड़क पे. मेरे ख्याल से जुनेद आपने हिस्ट्री खैर ज्यादा पढ़ी हुई है, लेकिन हर मूवमेंट या आइडियोलॉजी के सराउंडिंग फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं. जरूरी नहीं है कि आप उसमें 100% अग्री करें हर चीज के साथ. कुछ तो मान लो, आधे रस्ते आ जाओ, आधी चीजें दे दो. एक चीज जिससे आप अग्री नहीं करते उसकी बिना पे पूरी चीज को इनवैलिडेट कर देना, एक अजीब सी बात. खैर इस पे हम ज़्यादा मजीद डिस्कस नहीं करते क्योंकि अगेन इट्स नॉट आवर प्लेस. ट्रू. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे मैं थोड़ा आना चाहूँगा और उसकी जो अंडरलाइंग कॉज वो क्या है. अब जाहिर है देखें जो भी औरतों के मसले वो एक सेपरेट डिस्कशन है, उसके रिस्पॉन्स में ये कहना मुनासिब नहीं है कि क्या हुआ औरतों के साथ ज्यादती होती है, मर्दों के साथ भी तो होती है. नहीं, ये सेपरेट डिबेट्स हैं, ये आंसर नहीं है उसका. अब मर्दों के जो मसाइल हैं उसमें ऑब्वियसली एक वर्किंग मैन के बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं. आपने कमाना है, खिलाना है, आपने स्ट्रॉन्ग होना है. मर्द को दर्द नहीं होता, रोता नहीं है, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता. फिर ये जो क्रिस रॉक का जैसे एक जोक है कि अ मैन इज ओनली लव्ड अंडर द कंडीशन व्हाट ही कैन प्रोवाइड, ठीक है. तो दीज आर वेरी रियल प्रॉब्लम्स. और इसमें फिर एक और चीज मसला है कि मर्द अक्सर एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, वो बॉटल अप होता रहता है, टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और वो फिर कहीं ना कहीं निकल के आता है. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सारे प्रेशर्स के अराउंड हम अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबाते रहते हैं, ये कितना बड़ा मसला है? दैट्स बिकॉज वी नॉट ट्रेंड टू एक्सप्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बोला ना कि रिस्पॉन्स इस तरह का हम लोग देते हैं इस तरह की पोस्ट पे, इस तरह की जैसे और मार्च वगैरह, उसकी वजह ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इख्तलाफ विद रिस्पेक्ट कभी सिखाया नहीं. बिल्कुल राइट. वो शुरू होता है आपके घर से. डिस्कशन और आर्गुमेंट का फर्क नहीं. हाँ 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 हाँ, ठीक है. यू कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन और यू कैन हैव डिसएग्रीमेंट विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग समवन. या अब आपने ये माहौल कभी घर पे ही नहीं देखा. बाप ने जो बोल दिया बस बोल दिया. यू कैन नॉट एक्सप्रेस समथिंग. घर घर में हमारे डिक्टेटरशिप है, घर से बाहर डेमोक्रेसी चाहिए हमें. ठीक है, फिर आप स्कूल जाओ, 2+2=4 है, आप बोलो टीचर 1+3 भी तो होता है, वो कहते चुप करो जो मैं कह रहा हूँ वो सही है. तो आपने जो है ना इसी तरह अगर आप मजहबी साइड पे चले जाओ वहाँ पे भी ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मतलब ये गलत है. तो आपने एक इंसान की ट्रेनिंग ही यही की है कि यार आप जो है ना किसी से
देर इज नो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज. बस जो मैंने कह दिया वो सही है, एंड दैट इज हाउ हाउएवर इग्नोरेंट दैट थॉट माइट बी, बट जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और आपने मेरी बात सुनी. तो आपने जो है ना उसके अंदर वो सीड ही नहीं डाला, वो ट्रेनिंग का सीड ही नहीं डाला कि जहाँ पे वो ही कैन डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स बट विद रिस्पेक्ट. बिल्कुल ठीक है. मेरे बहुत से दोस्त हैं, दे लाइक टू आर्ग्यू अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे डोंट नेसेसरली अग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई से, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनको अनफ्रेंड कर दूँ या गालियाँ दे दूँ. वो भी मुझे गाली नहीं देता, हाँ ठीक है आई डिड लाइक वॉट यू सेड ओवर हियर एंड आई लाइक ओके दैट्स योर ओपिनियन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हर बंदा हमारे जैसा हो जाए और हम भी वो वैसे है ही नहीं जो हम चाहते हैं, जो हम समझते हैं हम हैं. राइट, हम मजहब सबको सिखाते हैं, खुद फॉलो नहीं करते. सो एक तो ये चीज कि इम्पोज करना. दूसरी चीज, हमने घरों में ये चीज नहीं देखी कि जहाँ पे यार बाप को माँ का हाथ पकड़ते हुए कभी नहीं देखा, चमाट मारते हुए देखा, बेल्टों से भी मारते हुए देखा, पाइप से भी मारते हुए देखा, कभी हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा. पकड़ लो तो हाँ हाँ रिश्तेदारों के गुलाम थल्ले लग गया, नीचे लग गया, लगना चाहिए नीचे भी, कभी आप ही हाथ पकड़ोगे. हाँ एग्जैक्टली, क्या रशीद का पकड़ोगे, किसका पकड़ोगे, बीवी का. हमने खुद देखा है शादियों में अगर बीवी के कंधे पे हाथ रख के, अच्छा पहले तो मर्द अवॉइड कर रहे होते हैं, बीवी चाह रही होती है, वेमेन लाइक टू बी हेल्ड, वेमेन लाइक टू बी के कोई एक्सप्रेस करे उनसे मोहब्बत. राइट, अमजद साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने ये बात की थी. हालांकि मैं आई यूज टू बिलीव समथिंग एल्स, क्या जब मैंने एक बार बीवी को बोल दिया आई लव यू तो अब क्या मैं रोज बोलूँ क्या, मैं भूल गई क्या, तू क्या गजनी है, क्या मसला है. बट ही सेड कि हर वेमेन लाइक रीअफर्मेशन, आपको बार बार बताना है, आपको रोज बताना है, सो दैट शी कैन फील सिक्योर्ड इन अ लविंग वे. आई थिंक टू सम एक्सटेंट एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक दैट, आपको अगर वैलिडेशन है कि आई लव यू रोज, आपको बुरा तो नहीं लगेगा. नाइस फीलिंग सर, तो बेहतर ही है ना कि चल कहाँ चला रहा है, कैसे चला रहा है, अंधा है क्या. सो वो एक्सप्रेशन चूंकि हमने घर में नहीं देखा, हमने हमेशा जो है ना बाप को एक सर्टन वे में देखा, तो हमने सोचा यार हमने भी इसी तरह बिहेव करना, दैट्स द राइट वे टू बिहेव. नाउ टाइम्स हैव चेंज, वो एक अलग दौर के लोग थे, हम अलग दौर के लोग हैं, एंड ये जो सप्रेशन है ना, अच्छा उसकी भी एक वजह ये भी है, फिर बुलिंग भी है लड़कों की आपस में. मतलब देयर वाज दिस वन टाइम आई वाज विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स इन दुबई, ठीक है, एंड वी वर ऑल इन आवर 30s, अर्ली 30s में थे, तो मैंने उनसे एक बात छेड़ी केयर हार्ट टू हार्ट, मैन टू मैन, यार ये हुआ है मेरे साथ बचपन में, बिल्कुल वीडियो गेम में या बस में या इधर या उधर, ठीक है, तुम्हारे साथ हुआ है, एंड दे ऑल ओपन्ड अप, एंड लाइक आई केम टू कंक्लूजन कि कोई बच्चा नहीं है जो बचा हुआ है इन चीज़ों से, सबके साथ हुआ है. अब मसला ये, आप अगर यही पाकिस्तान चौक के दोस्तों के साथ बोलो, यार मेरे साथ ये हुआ, बोला शौकीन लड़ेबाज, ये आवाज़ें आएंगी फिर, तो फिर आप क्या बात करोगे. या फिर इफ़ यू हैविंग मैरिटल प्रॉब्लम्स, और लोग ये सोच के शायद शेयर ना करें अपने मर्द दोस्तों से, यार वो बोलेगा मैं यार एक औरत नहीं कंट्रोल कर सकता, तू इतना बड़ा तू बनता है, मतलब ये लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी. हाँ तो मैरिज इसमें खातिन हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में या मैरिज में कोई मसला चल रहा है वो फौरन सहेलियों से मम्मी से कर लेंगी, दिल भी हल्का हो जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, मसला रिजोल्व, क्योंकि उनमें शायद वो वाला बुलिंग वाला एलिमेंट नहीं है जिस तरह लड़कों में, ठीक है. सो दैट यार मेरा मजाक ना बने, यार छोड़ो अपने अंदर ही रखता हूँ, फिर वो बॉटल अप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, इट नेचुरली इट कम्स आउट इन अगली वेज, इन अगली वेज, क्योंकि यार जब आतिश पेशाब फटता है वो प्यार से नहीं निकलता, वो फिर धमाका करता है, एंड दैट कैन हैपन टू एनीवन एट एनी पॉइंट. सो आई हैव सीन पीपल हैविंग मेल्टडाउन्स, लाइक मेन यू वुड नेवर इवन एक्सपेक्ट दैट ये रोते भी होंगे. एग्जैक्टली, क्योंकि यार है तो इंसान ना, है तो उसके अंदर भी दिल है, हमेशा से एक एक्सपेक्टेशन रही है कि सख्त है, हार्ड एक्सटीरियर, कुछ फीलिंग नहीं आती, लेकिन हो जाता है बैठा. हाँ बिल्कुल, तो ये जो है ना हमें एक ऐसे माहौल बनाने की जरूरत है जहाँ पे ना लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और एक ह्यूमन एलिमेंट जो है ना वो रखें कि यार अगला भी इंसान है, वो भी ब्रेक हो सकता है कभी ना कभी. राइट, ये नहीं कि मैं बड़े में गंजे करके कमेंट करके निकल गए, कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है, हालांकि मेरे तो नाम ही गंजी सुहाए गए, लेकिन लाइक यार कोई और बात कर लो ना, मैं तो ऑलरेडी अपना मजाक ऑलरेडी उड़ा रहा हूँ. जब भी लाइव जाओ सर शैम्पू कौन सा यूज करते हैं, आर यू कॉमेडी भी वो वाला लेवल. अच्छा उसमें भी ना आई फील सैड, यार मेरे मुल्क में ये लेवल हो गया कॉमेडी का,
कि यार मतलब वो बुलबुले देख देख के ना उन्होंने वही, और अच्छी कॉमेडी तो है ही अपने माइंड में, बट इट्स आल्सो एक ये एस्पेक्ट है कि अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए दूसरे का हमने नुकसान, हाँ हाँ हाँ, तो ये भी अजीब सा डायनामिक है। बट आई थिंक एक चीज जो हम नहीं रियलाइज करते, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी से जो मुझे पता लगी है कि 7 साल तक के जब आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक आपका इनर चाइल्ड शेप ऑफ योर एंटायर लाइफ व्हिच इन्फॉर्म योर एंटायर लाइफ। एग्जैक्टली, तो 7 साल तक अगर किसी बच्चे के साथ जो बुलिंग हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस किया है, अब्यूजिव पेरेंट्स, सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरह की चीजें, तो ये सब अगर एड्रेस नहीं होती, लेफ्ट अनएड्रेस्ड, दे रिफ्लेक्ट इन योर रिलेशनशिप्स दैट आर टू कम, इन योर मैरिटल रिलेशनशिप्स या अपने बच्चों के साथ। यार कल मुझे एक ईमेल आई, उसमें एक बच्चा कह रहा था, लड़का था, अब तो खैर ना, ही इज वर्किंग अब्रॉड, कह रहा है यार बचपन में इतना वो अब्यूज हुआ मुझ पे और मेरी वालदा पे मेरे बाप की तरफ से कि मैं गे बन गया। अच्छा, अब मुझे ये चीज समझ नहीं आई, बिकॉज आई एम नॉट, मुझे बायोलॉजी का इतना पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि किसी को आप इतना मारो कि वो गे बन जाता है। ठीक है, सो बट ही बिलीव दैट, राइट, सो वही वाली बात, बिकॉज ही हैड नो एवेन्यू टू एड्रेस, तो वो जो है, आई डोंट नो वेयर माय थॉट्स आर गोइंग विद दिस, मगर ये कि यही अच्छा कहना यही है कि यू नो ही रीच्ड आउट टू यू, ही हाँ उसको कुछ हुआ कि आई नीड हेल्प, इट एंड नाउ ही टू आस्क फॉर हेल्प। हाँ, इसको तो हमने स्टिग्मेटाइज किया हुआ है कि जी आप शेयर नहीं कर सकते, अगर दोस्त नहीं है तो आप जैसे किसी को ईमेल कर दिया जैसे आपको किया, या फिर सबसे बेहतर यही कि आप थेरेपी ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, आई टोटली इंडोर्स थेरेपी, और मैं तो बल्कि बताता भी रहता हूँ लोगों को, आई हैव इवन स्पोकन अबाउट माय एक्सपीरियंसेस विद थेरेपी, एंड माय वाइफ इज लाइक कि पब्लिकली नहीं बताया करो बातें, बिकॉज लोग जो है फिर उसका नेगेटिव एलिमेंट लेंगे, लोग तुम्हें मेंटल बोलेंगे, ये वो, जो बोल रहे हैं बोले, तो जब नहीं करा तब भी बोल ही रहते हो, मगर ये कि इट्स वेरी कथार्टिक टू हैव समवन विद हुम यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट। बिल्कुल, और एक ना आपको एक अनबायस्ड जजमेंटल, यस, और आपको एक बड़ा अनबायस्ड ओपिनियन मिलता है। बिल्कुल, द गुड थिंग अबाउट माय थेरेपिस्ट इज कि मैं आई कैन गो डाउन एनी पिट ऑफ डिटेल्स विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, एंड दैट लेवल ऑफ कम्फर्ट आई नेवर हैड विद एनीवन, बिकॉज आप हमेशा इस फेयर में ही होते हो ना, यार मैं I know you for over a decade now, over a decade. But 100% चीजें तुझे भी नहीं पता होगी, बिल्कुल, and vice versa. बिल्कुल, and that goes out with every friend. क्योंकि आप वो कहते हैं ना, इंसान के तीन रूप होते हैं, एक जो दुनिया के लिए होता है, एक जो उसके दोस्तों के लिए होता है, और एक वो जो खुद होता है, जो कि वो उसे खुद जानता है, so Japanese saying. तो at the end of the day, you still hold up a lot of information about yourself. So therapy helps you address those issues as well. तो मैं तो इसको हमेशा endorse करता हूँ.